नमस्कार मित्रों, आज इतिहास की जिस क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं वो क्लास है 16 महाजनपद का काल। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। बिना उसे जाने अगर हम 16 महाजनपद के काल का अध्ययन करें तो वो नाइंसाफ़ी होगी। देखते हैं जरा 16 महाजनपद काल किस कालखंड का है। अगर आपसे कोई पूछे इतिहास के किस काल में ऐसे 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, तो इसका सीधा सा आंसर है कि एक निश्चित कालखंड में एक साथ 16 नहीं बने, पहली चीज। लेकिन इनका उदय उत्तर वैदिक काल से माना जाता है जहां इनकी शुरुआत हुई, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th century BC ईसा पूर्व में ये अस्तित्व में आ गए थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई परिवर्तन देखने को मिले, थोड़ी सी चर्चा कर लें। आप जरा सोच के बताइए कि जब मानव का जन्म इस धरती पर हुआ, जब उसके पास अत्याधुनिक संसाधन नहीं थे, अर्थात आदिम युग में जब वो किसी रूप में जंगल में पहली बार कोई मानव आया होगा, कैसे आया, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, उसके चक्कर में नहीं पड़ते, मानव आया था, तो उसकी पहली समस्या क्या रही होगी। उसकी पहली समस्या थी भूख। भूख के लिए वो सबसे पहले निर्भर हुआ अपने जन्म प्रदाता पर, अपनी माँ पर। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद वो भी व्यवस्था समाप्त। दूध पर निर्भर हुआ, इसलिए उसने पशुपालन को सीखा, पेड़ पौधों के महत्व को जाना, क्योंकि बागवानी, फल फ्रूट्स, उसने अपने आप को जीवित रखा और उन्हीं फल के बीजों के कारण ही उसने एग्रीकल्चर को समझा। जब उसने एग्रीकल्चर को सीखा तब उसने, जब तक एग्रीकल्चर के दौर में नहीं था तब तक उसने कबीलाई जीवन जिया और सामूहिक रूप पर जीना शुरू किया। लेकिन जिस तरह से उसने अपने गलतियों से सीखने के कालखंड को निर्मित किया तो हमने उसे कह दिया वो है पाषाण काल, स्टोन एज, क्योंकि उसकी सारी आधारशिला उस पत्थर के कालखंड पर निर्भर थी। इसके बाद उसने जब सारी चीजों को सीखा कि नहीं, मानव को कैसे रहना चाहिए, क्या डेवलप करना चाहिए, हम गांव कैसे बसाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर अस्तित्व में आ गई। नवपाषाण काल सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर का उद्भव हो जाना, एग्रीकल्चर का या कृषि का ज्ञान मानव को हो जाना। और जब कृषि आई तो उन्हें स्थायित्व मिल गया, एक जगह रहना शुरू कर दिया, और उस कृषि के अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन के कारण व्यापार ने जन्म लिया, और उस व्यापार के कारण हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई। लेकिन एक पुरानी पंक्तियां हैं मैथिसरण गुप्त की कि उन्नत था कोई तो औन्नत होगा कभी। राष्ट्रकवि मैथिसरण गुप्त लिखते हैं कि एक चरम की उन्नति के बाद आप कहां जाएंगे, एवरेस्ट की चोटी के बाद आप कहां जाएंगे, नीचे उतरेंगे, और उतना ही उतरना जितना आपने चढ़ाई ऊपर की थी। ठीक उसी तरह मानव हड़प्पा सभ्यता के उस चरम को पाने के बाद पतन की तरफ आता है और अपनी सांस्कृतिक विकास की तरफ बढ़ता। सभ्यता से जब आपका मन भर जाता है तब आप सांस्कृतिक अध्ययन की तरफ लौट जाते हैं आत्म शांति के लिए। आपने सुना होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग में और कई संस्थाओं में बड़े बड़े रईस आकर, पैसे वाले आकर मन की शांति के लिए ध्यान लगाते हैं, ओमकार का नाद करते हैं, उसका पद्मासन में सीखते हैं योग करना, वो आत्म शांति के लिए लौटते हैं। सभ्यता के उन्नति के बाद सांस्कृतिक दौर आता है। वैदिक कालखंड की शुरुआत मानी जाती है क्योंकि उस समय सांस्कृतिक महत्व के दर्शन के ऊपर चिंतन शुरू हुआ। उसी समय जब फिर से अर्थव्यवस्था ने अपने पांव पसारे तो उसके सामाजिक आर्थिक, मैं शब्द का बार बार प्रयोग करूंगा, सामाजिक और आर्थिक आयाम या कह लीजिए पदचिन्ह दिखाई पड़े। अब आपके सामने दूसरी मजिस्ट्री है। मैंने आपको बताया कि कैसे मनुष्य पाषाण काल से लेकर इस कालखंड तक पहुंचा। दूसरी बात, ये महाजनपद से क्या मतलब है। देखिए, मनुष्य जब पहली बार अस्तित्व में आया तो उसने युगल के द्वारा अपने परिवार का निर्माण किया, परिवार से कुल बने, खानदान, जिसे हम कहते हैं कि मेरे खानदान के हैं, फलाने रिश्तेदार हैं, तो कुल का निर्माण किया। कई कुल जब मिले तो गांव बना। गांव के मिलने से, याद करिएगा, तो वैदिक कालखंड में गांव के मिलने से विश्व बने,
कई विषों ने मिलकर जन बनाया, जब कई जन मिले तो जनपद बने। जरा इसको तोड़ दीजिए, जन मतलब होता है लोग, पद का अर्थ होता है पैर। जहां आप कई लोग एक साथ निवास करने लग गए तो जनपद बन गया, मतलब अब ये कबीलाई लोग नहीं थे कि खाना बदोश जीवन नहीं जीने वाले थे, ये अब अपना खाना पैदा करेंगे और उस परिस्थितियों में ठंडी गर्मी बरसात सब झेलते हुए अपने परिवार की उन्नति भी करेंगे और खेती भी करेंगे। ये जनपद का कालखंड था। कई जनपदों में संघर्ष प्रारंभ हुआ, बड़े जनपद ने छोटे जनपदों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया, इसी से निर्मित हुआ महाजनपद। मैं समझता हूं कि अब आपके सामने बैकग्राउंड आ चुकी है, लेकिन जानना जरूरी है। पूरी दुनिया में छठी शताब्दी ईसा पूर्व बड़ी महत्वपूर्ण सन के तौर पर देखा जाता है। सबसे पहले तो आपसे अगर कोई पूछे कि यह कालखंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको बताना है कुछ पॉइंट्स मैं आज दे रहा हूं, उसे आप हमेशा याद रखेंगे। पहला पॉइंट, इस कालखंड में द्वितीय सेकेंड नगरीकरण का दौर शुरू हुआ। पहला नगरीकरण कौन सा था? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पहला नगरीकरण का उदाहरण है। ये दूसरे नगरीकरण का उदाहरण है जहां आपको नगर मिलेंगे। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे नगर थे, कौन कौन से बड़े नगर थे। दूसरा, धार्मिक क्रांति का दौर था। दो धर्म तो आपको पढ़ने भी हैं, एक को आप जानते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध और तीर्थंकरों पर आधारित जैन धर्म। ऐसे कई मत संप्रदाय इस समय अस्तित्व में आए, तो धार्मिक परिवर्तन हुआ। नगरी परिवर्तन अपने आप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का कारण बन जाता है। तीसरा, साम्राज्यवाद की तरफ परिवर्तन की दृष्टि बढ़ी। मतलब महाजनपद के बाद इस कालखंड में ही आपको साम्राज्यवाद के बीज मिल जाएंगे। जैसे ही आप मगध का उत्कर्ष पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे मगध ने विशाल साम्राज्यों का अंत शुरू कर दिया। तो यहां से साम्राज्यवाद के प्रमाण या चिन्ह मिलने लगते हैं। चौथा कारण, व्यापार की उन्नति हुई और कर्मकांड साथ साथ जन्म लेता है। कर्मकांड का ही विरोध बौद्ध और जैनिज्म में दिखता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो इस कालखंड को अलग कर देते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसी समय दुनिया में और भी कई धर्म हैं। कन्फ्यूजियस तोजो, जापान में तोजो संप्रदाय चलाया गया, कन्फ्यूजियस चाइना में आया। इस तरह से ये कालखंड दुनिया में कई धार्मिक परिवर्तनों के लिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं 16 महाजनपद की। कई जनपदों ने मिलकर महाजनपद का निर्माण करना शुरू किया। उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन और बौद्ध साहित्य दोनों से मिलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि कौन कौन से जैन और बौद्ध साहित्य ऐसे हैं जो इन 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। देखिए, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस वीडियो की श्रृंखला को रोककर जरूर नोट करेंगे कि कौन से वो ग्रंथ हैं जिनमें ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो मैं आपके सामने पहले जैन ग्रंथ रख रहा हूं जिसका नाम है भगवती सूत्र। रट लीजिएगा, जैन साहित्य कौन सा है? भगवती सूत्र, जिससे 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। खास बात इन 16 महाजनपदों में जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो अंगुत्तर निकाय है। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अब यहां ध्यान क्या देना है आपको, देखिए
भगवती सूत्र की सूची को पुराना माना जाता है कि जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद मिले हैं उनसे बाद की है। इसलिए हम भगवती सूत्र को सिर्फ इतना मानते हैं कि 16 महाजनपद इसमें मिले हैं, बस इसके अलावा हम नहीं पढ़ते। लेकिन अब जो 16 महाजनपद मिले, जरा उनका अध्ययन कर लें। कहां कहां ये स्थित थे, अगर मैं आपको मैप दिखा पाता तो आपको ज्यादा आसानी होती। मैं आपको मैप पे इसको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, इसे गौर से देखते रहिए। और मैं आपको 16 महाजनपद पहले मैप के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं। अफगानिस्तान और इस हिस्से में कंबोज नाम का महाजनपद था, इस बेल्ट में। इसकी राजधानी थी हाटक। हाटक ये घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मैं यही चाहूंगा बेटा कि आप जब भी पढ़ें तो जरा रोक कर अब तुरंत नोट करिए कि अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित था कंबोज, और इसकी राजधानी थी हाटक। ठीक, हाटक किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े के व्यापार के लिए। इसे राजापुर भी कहते हैं। कई कई साहित्यों में इसका उल्लेख राजापुर के नाम से भी मिलता है। इसके बाद इस बेल्ट में गौर से देखिएगा, तक्षशिला स्थित था। तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध है। भरत राजा भरत भगवान राम के जो भाई थे उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, तक्षशिला नगर। और ये राजधानी, तक्षशिला राजधानी थी गंधार महाजनपद की। तो इस बेल्ट में कौन सा था? गंधार। यहां था कंबोज। अब जरा नीचे आते, अब मैं आपको राजस्थान लेकर चलता हूं। राजस्थान में था मत्स्य नगर, और मत्स्य नगर की राजधानी थी विराट। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट। ये जयपुर आपको दिख रहा है, जयपुर के इर्द गिर्द का हिस्सा उस समय मत्स्य महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी थी विराट नगर। आज विराट नगर की पहचान जयपुर से ही करते हैं। इसके बाद हम चले आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, कुरु। मेरठ से लेकर माना जाता है दिल्ली तक के एरिया के बीच में कुरु नाम का महाजनपद था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज हम दिल्ली मानते हैं। महाभारत में इसका उल्लेख भी है। फिर आता है पांचाल। ये मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के बेल्ट में स्थित था, और इसकी राजधानी, याद रखिएगा दो राजधानियां बनती हैं, आप देख रहे हैं ना, ये है मुजफ्फरनगर, ये है मुरादाबाद। तो ऊपर की तरफ थी अहिच्छत्र और नीचे दक्षिण की राजधानी थी कांपिल। मतलब उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी कांपिल। फिर नीचे आ जाइए, मथुरा का ये क्षेत्र, आगरा मथुरा अलीगढ़ का ये बेल्ट सूरसेन महाजनपद था। ये क्या था? सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा। भगवान श्री कृष्ण को याद रखिएगा, भगवान का नाम लेने से आपका भी उद्धार होगा और आपके 16 महाजनपद की एक राजधानी भी याद रहेगी, मथुरा। फिर आता है चेद। चेद कहते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र को, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। आपको जान के ताज्जुब होगा, शक्तिमती का शासक शिशुपाल था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद के इस एरिया में, इलाहाबाद का इस बेल्ट में आप भी जानते हैं आज भी कौसाम्बी महाजनपद है, लेकिन उस समय इसे हम किस नाम से जानते थे? वत्स। इसे हम क्या कहते थे? वत्स। और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौसाम्बी। ठीक ऊपर फैजाबाद के बेल्ट में स्थित था कौशल, जिसकी दो राजधानियां हैं। कौशल की दो राजधानियां हैं, श्रावस्ती और साकेत। साकेत का पुराना नाम, साकेत से भी पुराना नाम कुशावती है, और आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? अयोध्या। तो कह सकते हैं कि अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। यहां ऊपर देखेंगे तो आप गोरखपुर का बेल्ट दिखाई पड़ता है। यहां दो मल्ल राज्य रहा करते थे। मल्ल में दो ऐसे गणतंत्र थे जो एक साथ शासन करते थे, उनको सामूहिक रूप से हम कहते हैं मल्ल महाजनपद। तो ये दो, उनकी दो राजधानियां थी, कुशीनारा जिसे हम कुशीनगर कहते हैं, अगर मैं पाली में उच्चारण करूं तो कुशीनारा कहेंगे, और पावापुरी, याद रखिएगा। इसके बाद हम बिहार की तरफ चले जाते हैं।
मगध, मगध यहां पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन सबसे प्राचीन 16 महाजनपद काल में इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, बाद में राजगिरी और उसके बाद पाटलिपुत्र अस्तित्व में आई। फिर भागलपुर के क्षेत्र में आप इधर देख रहे हैं चंपा नाम का एक नगर हुआ करता था, जो राजधानी था अंग महाजनपद की। चंपा उस समय अपने समय का एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके वास्तुकार महागोविंद थे, और यहां कौन सा महाजनपद था? चंपा। इसके बाद अवंती, उज्जैन के हिस्से में अवंती थी। इसकी एक राजधानी तो बच्चे बच्चे को रटी हुई है, बाहुबली पिक्चर के कारण सब ने उसको रट लिया है। दक्षिणी अवंत की राजधानी थी महिष्मति, नाम सुनते ही याद आ गया होगा, जय महिष्मति। पहली राजधानी थी उज्जैनी, महाकाल को याद रखिए, बाहुबली से आपको दूसरी वाली दक्षिणी, और महाकालेश्वर मंदिर के कारण, छिप्रा नदी के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग के कारण आपको उज्जैन याद रहेगा। सबसे दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर थी पोत्तन, जिसका पोत्तन एक नगर है, जिस जो महाजनपद अस्मक की राजधानी थी। मैं एक बार फिर से सिर्फ महाजनपदों का आपके सामने रिपीट करा रहा हूं, कंबोज, गंधार, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेद, वत्स, मल्ल, मगध, अंग, इस ऊपर के पूरे हिस्से में वज्ज, वज्ज की राजधानी थी वैशाली, वज्ज ऊपर थी। इसके बाद मत्स, अवंत और अस्मक, ये 16 महाजनपद है। पांचाल मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार मैं चाहूंगा कि आप बोर्ड की तरफ आए तो वहां आपको मैं बोर्ड पर लिखा हुआ दिखा दूं, वहां फिर रिवीजन करा दूंगा आपको। देखिए 16 महाजनपद ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैंने आपको मैप में भी दिखाया, कुछ महाजनपद मैंने वहां जानबूझ के नहीं दिखाए, जैसे काशी, काशी सब जानते हैं, और ना जानते हो तो नरेंद्र मोदी की निर्वाचन क्षेत्र है, प्रधानमंत्री साहब का निर्वाचन क्षेत्र है, काशी कौन नहीं जानता। कबीर कहते हैं ना कि कबीर के जीवन में कहा गया है कि वो मरने वाले काशी में थे, उनको किसी ने बताया काशी में मरेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, तो उन्होंने कहा मगहर में मरते हैं, जहां फिर से जन्म होता है। तो कंबोज, हाटक, गंधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र और कामपिल, इसकी दोनों राजधानियां मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, चेद शक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, काशी बनारस। वाराणसी क्यों नाम पड़ा वो मैं आपको जरा बता दूं, वाराणसी कहते हैं वरुणा और असी नदी के मध्य स्थित होने के कारण, काशी का भी एक कारण है, काशी कहने के पीछे दो कारण है, पहला है कषाय, कहते हैं कषाय का अर्थ होता है गिरुआ, और दूसरा कषाय का अर्थ होता है ढाक, जिसे आप लोग जानते होंगे पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, जानते होंगे। गिरुए रंग के कारण काशी कहा गया, बहुत सन्यासी हैं गिरुआ पहनते थे, तो कषाय के कारण काशी का उत्पन्न हुआ। ढाक के पेड़ बहुत होने के कारण उसमें जो फूल खिलता है वो भी गिरुए रंग का खिलता है, ढाक, जिसे हम कषाय या पलाश कहते हैं, संस्कृत में कषाय कहते हैं, इसलिए भी काशी कहा गया इस क्षेत्र को। वरुणा और असी नदी के मध्य स्थित होने के कारण इस नगर को बनारस कहा गया। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए आज भी प्रसिद्ध है, उस जमाने में भी प्रसिद्ध हुआ करता था, वस्त्र निर्माण के लिए, रेशम के निर्माण के लिए ये मौर्योत्तर काल में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। फिर आता है कौशल, भगवान राम की नगरी मानी जाती है अयोध्या, जिसकी राजधानी थी, श्रावस्ती भी इसकी एक राजधानी थी। मल्ल और वज्ज, ये दो अलग शासन विधाएं हैं, याद रखिएगा। देखिए महाजनपद में दो तरह की शासन व्यवस्था थी, एक थी राजतंत्री, राजा का लड़का राजा बनेगा, दूसरा था गणतंत्र। गणतंत्र क्या है जल्दी से समझ लेते हैं, एक कह सकते हैं कि गणतंत्र कुलीन तंत्र था, शासन करने वाले कई समूह में मिलकर शासन करते थे, 10-10, 15-15 गांव का एक राजा है, फिर 15 गांव का एक राजा, सबने मिलकर एक अपना एक राज्य बना लिया, तो कुलीन तंत्र था। ऐसे दो समूह बने थे, मल्ल और वज्ज। अब देखिए इसमें आठ कह सकते हैं, इसमें आठ
वज्र में कुल 8 गणतंत्र शामिल थे, कितने? 8, और मल्ल में 2 शामिल थे, कुसिनारा और पावापुरी। 8 कौन कौन से थे वज्र में जरा देख लेते हैं। कपिल वस्तु के शाक, जो मैं पहले बोल रहा हूं वो जगह है, राजधानी है, और दूसरा जो बोल रहा हूं वो गणतंत्र है, वो कुलीन वर्ग है, इस कुलीन तंत्र के लोग शासन करते थे। मतलब कपिल वस्तु पर शासन किसका था? शाक्यों का शासन था। ठीक, सुमसुमारगिर के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोली, पावापुरी के मल्ल, सॉरी पावापुरी के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। तो याद रखना है आपको, भूल तो नहीं जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। यहां थोड़ा सा मैं करेक्शन करा दूं, पावापुरी के मोरी नहीं होंगे, पावापुरी की मोरी मत करिएगा, पिपली वन के मोरी। ठीक, पिपली वन के मोरी, पावापुरी के मल्ल। ये है पूरा आपका महाजनपद काल। अब इन महाजनपदों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 16 महाजनपदों का अंत होता है और किन कारण से मगध का उत्कर्ष होता है। मगर ईमानदारी से मैं आपसे कहूं, 6 शताब्दी ईसा पूर्व वो कालखंड है जहां से राजनैतिक इतिहास की शुरुआत होती है। प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? 6 शताब्दी ईसा पूर्व से, क्योंकि इसी के बाद से हमें जानकारियां मिलनी शुरू होती हैं, एक क्रमबद्धता मिलती है, जो इतिहास की पहली आवश्यकता है, क्रम में होना और तिथि का मिलना शुरू होता है। तो राजनीतिक इतिहास की शुरुआत मगध का उत्कर्ष है, जो हम अगले चैप्टर में आपसे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो को रोकेंगे, जगह जगह सुनेंगे, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप प्रयास करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पर जाकर कि आप मुझसे उस पर डिस्कशन या पूछ सकें कि कहाँ क्या कन्फ्यूजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरा प्रयास होगा कि आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज इसी वीडियो के माध्यम से ही खत्म कर दी जाए, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आप उसे केयरफुली सुनेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभकामना है।